हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत गुड़ा कला में चोरी की घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सोजत उपखंड के ग्राम गुड़ा कला में एक मोबाइल की शॉप की दुकान पर लाखों रुपए के मोबाइल व 1.5 लाख रुपए अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। ग्रामीणों द्वारा दूसरे दिन भी धरना जारी रखने और चोरों को पकड़ने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण गुड़ा कला पुलिस चौकी के आगे टेंट लगाकर बैठे हैं। धरने पर ग्रामीण कह रहे हैं कि मोबाइल शॉप पर हुई चोरी का खुलासा पुलिस जल्द करे। जब तक चोरी का खुलासा नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। पूर्व में भी इसी गाँव के अरविंद सोनी के साथ हुई थी लूट। मौके पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। बगड़ी थाना अधिकारी बुधवार को स्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया, लेकिन आज दूसरे दिन भी ये धरना जारी है। ग्रामीण कह रहे हैं कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य तेजराज मेवाड़ा, सरपंच प्रतिनिधि खेतु सिंह, पंचायत समिति सदस्य मंजीत सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह, अरविंद सोनी, ललित राव, मूलाराम माली, केहरनाथ सहित ग्रामवासी धरने में मौजूद रहे। हमारे एरिया में पिछले 2-3 सालों से काफी चोरियां हो चुकी है। उन चोरियों में से अभी तक किसी भी एक भी चोरी का राजफास नहीं किया गया, ना ही किसी चोर को मुलजिम बनाया गया। मेरे साथ में पिछले साल अगस्त महीने में बहुत बड़ी लूट घटना हो गई, उसका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस प्रशासन से मैं कई बार मिल के आया, एसपी साहब के पास भी गया, डिप्टी साहब के भी पास में गया, उन्होंने सांत्वना दे के मुझे वापस भेज दिया कि हम कार्रवाई करेंगे करेंगे करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे। ये अभी 2 दिन पहले और बड़ी चोरी हुई है, बहुत बड़ी है, मेन बस स्टैंड के ऊपर हुई है। पुलिस ने हमको कहा है कि आप हमको कल सुबह 12 बजे तक का टाइम दो, आज के 12 बज चुके हैं, अभी तक हमारे पास में पुलिस का कोई अपडेट नहीं है कि भाई हमने कोई चोर पकड़ा है या किसी को राउंड अप पे लिया है या इन को लिया है। तो हमें अभी तक पुलिस के बारे में कुछ विश्वास है नहीं कि ये कुछ कार्रवाई करेंगे। मौके पे कोई अधिकारी आया था? कोई तरह का प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं है, सिर्फ थानेदार जी आए थे, उसके अलावा कोई प्रशासन नहीं आए हैं, ना ही कोई राजमंत्री आए हैं, ना ही कोई बात है। हम लोग जब तक ये चोर वगैरह हमारे सामने लाके खड़े नहीं करेंगे, हमारा धरना प्रदर्शन ये जब तक जारी रहेगा, भले ही 1-2 महीने लग जाए। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।